सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं आपका दोस्त राजस्थान और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों दो ऐसे स्ट्रीट लाइट की जिन्होंने अभी मार्केट में धूम मचाया हुआ है। जी हां दोस्तों, ये है गुडॉक्स का LC500R जिसके बारे में आप में से सब लोग जानते हैं, और ये है डिजिटेक का DSL 30W RGB स्ट्रीट लाइट। दोस्तों दोनों के अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइस मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी और सारी चीजों की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एक बहुत ही अच्छे बैग के साथ आता है। अगर कॉम्पैक्टनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिटेक का जो लाइट है वो काफी कॉम्पैक्ट दिखाई देता है, उसका जो बैग है काफी कॉम्पैक्ट दिखाई देता है। दोनों के अगर बैग की क्वालिटी की मैं बात करूं तो दोनों के बैग की क्वालिटी बहुत ही बहुत अच्छी है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले गुडॉक्स LC500R के बैग में क्या क्या चीजें मिलती है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं सबसे पहले ओपन। ये आप देख सकते हैं कि जैसे आप बैग खोलते हैं तो आपको एक बहुत ही प्यारी सी लाइट मिल जाती है, और इसके अंदर आपको मिल जाता है साथ ही साथ एक एडाप्टर जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों इसके साथ रिमोट वाला सेशन लेना चाहते हैं तो ये दो तरीके से आता है, विद रिमोट और विदाउट रिमोट। आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो है यहाँ पे अभी विदाउट रिमोट है। एक बार चेक करते हैं इसको कि इसके अंदर और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों अगर मैं LC500R के लाइट के पावर की बात करूं तो यहाँ पे ये मुझे मिल जाता है 23W का, और इसका पावर आप देख सकते हैं। लास्ट में मैं इसका एक पावर टेस्ट भी आपको दिखा दूंगा। एंड इसमें आपको जो लाइट का प्लेसमेंट मिलता है वो चारों तरफ मिलता है, यानी कि आपको फ्रंट में कूल एंड वार्म लाइट मिलती है। एंड अगर आप इसके मोड को क्लिक करते हैं तो इसके बैक साइड में आप लाइट के अलग अलग कलर्स को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से लाइट का अरेंजमेंट इसमें इस तरीके से है। अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो आपको पता है कि ये इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी है। तो 23W का ये जो LED लाइट वॉन्ड जिसको बोल सकते हैं, LED लाइट स्टिक, काफी चलन में है, और इसकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। दोस्तों आइए अब मैं आपको दिखाता हूं डिजिटेक का DSL 30W RGB लाइट वॉन्ड। इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको जब आप इसके बैक को ओपन करते हैं, इसका बैक थोड़ा सा मुझे हैवी लगता है अगर मैं गुडॉक्स के LC500 की बात करूं। एंड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का DSL 30W RGB। इसका जो लाइट का प्लेसमेंट है, दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है कि दोनों में जो बैटरी है वो इनबिल्ट है, तो आपको इसमें एडिशनल बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। इसका हैंडलिंग काफी बढ़िया है। अगर मैं इसको ओपन करूं इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लेसमेंट है वो काफी प्रीमियम यहाँ पे दिखाई देता है। इसमें लाइट का जो प्लेसमेंट है वो है सामने, जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें लाइट का प्लेसमेंट चारों तरफ है। इसके पावर की बात आती है तो सबसे पहले इसका पावर चेक करते हैं, लेकिन पावर चेक करने से पहले इसका जो बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज आती है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपको आ जाता है इस तरीके का इसका कुछ अटैचमेंट जिससे आप लाइट को डिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये है डिफ्यूजर इसके दो अलग अलग टाइप के। और यहाँ पे हाँ, अगर इसमें LC500 की बात करें तो LC500 में जो डिफ्यूज़र है वो डायरेक्ट डिफ्यूज़र ही आता है, अब इसको हार्ड लाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ मुझे लगी प्लस पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मुझे मिलता है ग्रिड का सिस्टम, विच वन इज़ वेरी गुड। तो ग्रिड अभी तक मैंने किसी दूसरे भी लाइट वॉन्ड में नहीं देखी, किसी दूसरे लाइट स्टिक में नहीं देखी है, तो आप यहाँ पे ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रिड काफ़ी कमाल का है। तो ग्रिड का यूज़ करके आप लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपका ग्रिड फिट हो जाता है, और जब आप लाइट को यूज़ करते हैं, एक बार मैं आपको ग्रिड फिट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपका ग्रिड जो है वो फिट हो गया, और जब मैं इसको लाइट को यहाँ से प्लस करता हूँ, पावर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ग्रिड के कारण क्या होता है, लाइट को आप बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस लाइट को सिर्फ मेरे फेस पे देना चाहूं तो आराम से दे सकते हैं, लाइट किसी भी तरीके से फैलेगी नहीं। तो यहां पे आपको ये जो अटैचमेंट मिलते हैं DSL 30 वॉट के साथ, ये बड़े कमाल के हैं। अब दोस्तों ये तो ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको मिलती हैं। आइए एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ये है एक 30 वॉट की लाइट और ये है 23 वॉट की लाइट। 30 वॉट की लाइट का पावर डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं कि आज के डेट में ये दोनों लाइट में से किसका पावर ज्यादा है, किसका सॉफ्टनेस ज्यादा है, किसमें फीचर्स ज्यादा है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, लाइट के अलग अलग इफेक्ट की बात करूं, तो दोनों में बहुत सारे ढेर सारे इफेक्ट दिए हुए हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं अपने फोटो और वीडियोग्राफी में भी। आइए एक बार इसका पावर चेक करते हैं। तो दोस्तों अब यहां पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी है गुडॉक्स का LC500R, और इसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट करने के बाद इसका मोड अगर मैं चेंज करता हूं कि 100 के पावर में ये लाइट कुछ इस तरीके से आउटपुट देती है। तो दोस्तों यहां पे मेरे हाथ में लेफ्ट साइड में, यानी कि इस वाले हाथ पे है मेरे पास गुडॉक्स की LC500R, और इस वाले हाथ
हाथ पे है राइट हैंड में डीजीटेक की DSL 30W RGB लाइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोडॉक्स को टेस्ट करता हूँ, मैं लगभग इतनी दूरी से मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ से देखिए ये इसका पावर है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन एक अच्छा खासा पावर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ, यहाँ पे देखिएगा, और इसको क्लोज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ और अगर आप इसका पावर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये है डिजिटेक का DSL 30W का पावर। तो चूंकि ये एक 30W की LED लाइट है तो डेफिनेटली इसका जो पावर है ये गोडॉक्स से ज्यादा है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, दूर लेके जाइए तो यहाँ से तकरीबन थोड़ा सा दूर जाते हैं तो आप देख सकते हैं तकरीबन इतने दूर से इसका जो पावर है वो ये कुछ इस तरीके का है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके का पावर कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आप अंदर लो इसको। यस, अब आप देख सकते हैं ये दोनों का सिमिलर पावर है। एक बार बंद चालू करके देते हैं, एक बार आप बंद कीजिए इसको। तो यहाँ पे ये इन्होंने बंद किया है, अब एक बार आप बंद करके आप चालू कीजिए। और यहाँ पे ये बंद करके जब ये चालू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गोडॉक्स की जो लाइट है, क्योंकि वो 23W की है, दोनों को ऑन कर दीजिए, गोडॉक्स की जो लाइट है वो 23W की है, सो इसलिए आपको इसमें जो है पावर थोड़ा सा कम मिल जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल सा टेस्ट था जो कि आपके सामने हमने लाइव किया। एंड अगर मैं अब इसके प्राइस की बात करूं तो ये तकरीबन 13-14 हज़ार रुपए के आसपास में आता है गोडॉक्स का LC500, जबकि अगर मैं डिजिटेक के DSL 30W की बात करूं तो वो तकरीबन 8-8.5 हज़ार के बीच में आ जाता है। तो लगभग आपके 4-5 हज़ार रुपए का डिफरेंस है। और दोनों लाइट की अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आपके सामने दोनों लाइट की क्वालिटी है, दोनों लाइट काफी अच्छी है। आपके बजट में जो भी लाइट आती है आप उस लाइट को यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।